तो जैसा तुमको हमने कहा था पिछली वीडियो में कि टेक अ चिल पिल, अभी भी यार बहुत मैच पड़ा है, अभी भी दूसरे दिन का ही मैच हुआ है, अभी भी तीसरे चौथे पांचवें दिन का मैच बचा है। क्या बोला था यार, इंडिया इतनी आसानी से हार नहीं मानते हैं यार। भाई हम एक बार 36 पे ऑल आउट हो चुके हैं, वहां से कम बैक किया हमने ऑस्ट्रेलिया में, वो भी हमको एक्सपीरियंस है ऑलरेडी इन सब जगहों पे कैसे किक करना है क्या करना है, प्रेशर में नहीं आते आपसे। हालांकि अभी भी 125 का ट्रायल बचा है, वो पता नहीं कैसे होगा कम्प्लीट, बट हमने बोल दिया अभी भी बहुत मैच बचा हुआ है। बट पहले आ जाए अगर आज के मैच में, एक बात बता रहा हूँ मैच से पहले कि आज दुनिया भर का बैड लक ना वो टीम इंडिया के साथ था। मतलब कि एक विकेट हुआ लगी, इसने भी दिखा रहा है पर वो हवा में दिखा रहा है इसने, उसकी वजह से नॉट आउट दे दिया गया यार। या जैसे रोहित शर्मा आउट हुए आज, क्या कल से हमारा बैड लक, जैसे आखिरी बॉल पे विराट कोहली चले गए। वो तो बहुत ही, वो क्या था वो लास्ट बॉल पे विराट कोहली, इतना बैड लक तो भाई किसी प्लेयर का तो मैंने नहीं देखा। विराट कोहली को चाह दिया भगवान ने कि उसका सोवर नहीं बनाने देंगे तो नहीं बना देंगे। अब लंदन शिफ्ट हो गया ना, पहले इंडिया में था जब तक, तब तक सोवा बंद रहा था तो अलग बात है। ये बैड लक तो कल से चल रहा है, इतने कैचेस छूट रहे हैं, वो केएल राहुल वाले कैचेस छूट रहा है, कभी कभी लक भी होते हैं आपके साथ। 46 बन गए कल, तो लक तो फिर तो कल था ही नहीं। हाँ तो न्यूजीलैंड की पहलिंग पे आ जाए यार, ये सऊदी वउदी का कुछ करना पड़ेगा यार। ये तो क्या आते ही लपिल जो चलाया है ना, मतलब और रविंद्र भी आए, रचिन रविंद्र तो चलो मान लिया वो बैट्समैन है, बट ये उसका तो वो होम ग्राउंड है। वो ये बट ये सऊदी उसने चार छक्के मारे हैं, उसने शायद 92 सिक्स मारने टेस्ट। मुझे लगता है भाई इसलिए इसने इसीलिए कप्तानी छोड़ी है कि भाई ये खुला खुला खेलेगा बैटिंग में, क्योंकि बॉलिंग में यार सऊदी में वो बात नहीं है, पर फिर भी बैटिंग में बात नहीं है सऊदी में। गाइस क्या कह रहे हैं, चलो मार सकता हूँ मैं, पर वो गाइस कन पिटेगा, ऑलराउंडर ही है वो, बट अब विकेट में रहा नहीं है कुछ, टू बी ऑनेस्ट। दो इंडिया के बैट्समैन टिक गए थे जहां पे 46 पे ऑल आउट हो गए थे पहली इनिंग में, वहां पे ओपनिंग पार्टनरशिप पे 46 से ऊपर चले गए। दिस मतलब यही होता है लग यार, हमें जैसे तैसे ना 200 रन की लीड चढ़ानी है, अगर 200 रन की लीड चढ़ गई तो भाई चौथे दिन या पांचवें दिन, माफ करिएगा, पांचवें दिन में ये लोग बैटिंग तो नहीं कर पाए। आप कह रहे हैं अगर 200 रन की लीड तो यहाँ से हमें 325 रन और बनाने हैं, आज आज स्ट्राइक रेट के साथ खेलें, बहुत सही खेले, नहीं तो विकटें भी होनी चाहिए ना हाथ में। सरफराज मैं तो रोहित से बोल, रोहित जो अनलकी था, ओ भाई वो बात कर लेते हैं यार, सही खेल रहा था यार वो, जो डिफेंस, उस आदमी को डिफेंस ही नहीं करना चाहिए यार, वो इतना अनलकी आदमी, वो विकेट कैसे आउट हो गया, वो तुम्हारा बैड लक कितना बैड हो सकता है वो आउट होने के लिए। और बंदा इस तरीके से खेल रहा था कि भाई 200 बना के जाएगा, टिक नहीं आया था भाई, था कि वो कहीं पे दूसरी इनिंग में भी नहीं करा होगा, शॉट खेला ही नहीं भाई उसको, इतनी आज बाउंसर आई प्लानिंग के हिसाब से कि वे पुल शॉट मारेगा और फील्डर रखा है पिच, उसने खेला ही नहीं, उसने तब खेला जब वहां से फील्डर हटा, वो पूरा दिमाग लगा के आया था आज, वो आराम से डैडी 100 बनाता यार। यही होता है यार, लक तो चाहिए ही क्रिकेट में, फिर वो कोहली के साथ जो लास्ट बॉल पे, लिटरली लास्ट बॉल पे जो हुआ है, पर सरफराज भी ठीक है, सरफराज बहुत अच्छा खेल रहे हैं यार, सरफराज ने बहुत अच्छी 100 के स्ट्राइक में 78 में 77 रन बनाया उसने ऑलमोस्ट। अभी कल अभी केएल राहुल आएंगे तो ड्रॉ हो सकता है टेस्ट मैच, अब केएल राहुल डेढ़ दिन बैटिंग कर लेंगे यार। केएल राहुल ने कानपुर में भाई तेज खेला था, वो बांग्लादेश थी, अब ये और शायद ऋषभ पंत भी जो वो कर रहे थे नॉकिंग कर रहे थे, हाँ ऋषभ पंत खेलेंगे वो भाई पैड वैड करके भी बैठे हुए, तो ऋषभ पंत तो खेलेंगे, दो ही बैट्समैन है, मुझे नहीं लगता जडेजा कुछ कर पाएंगे और अश्विन। नहीं नहीं यार, मेरे को जडेजा से बहुत, मैंने हमने कहा था पिछली वीडियो में कि भाई हमारी प्रेडिक्शन थोड़ी सही हो रही है, तो मुझे लग रहा है अब है स्पिनिंग की विकेट बच गई है, पेसर्स में कुछ दम नहीं रहा है, और अब हम आएंगे हमारे पास बस स्कोर बोर्ड पे कैसे न कैसे 200-250 रन कैसे भी करके बस यार। हाँ मतलब इतने रन हो जाए, 180 हो जाए, चलो भाई 180 डिफेंड करने लायक, 200 से 180 आ गए हम, फिर 150 पे आएंगे फिर। नहीं भाई क्योंकि जिस तरीके से मैच चला गया था अब थोड़ा बहुत लग रहा है कि 50-50। नहीं देखो जो न्यूजीलैंड के भी बैटर हैं उसमें 2-3 बैट्समैन ऐसे हैं जो इंडिया से अच्छी स्पिनिंग खेलते हैं, एक तो वो रचिन रविंद्र सबसे पहले कॉनवे है भाई, ये 2-3 प्लेयर है ना, तो भाई इन्हीं का बोल बाला रहेगा कल, जो मुझे लग रहा है इनको आउट कर दिया ना कॉनवे को, रचिन स्टार्टिंग में विकेट लेगी ना कॉनवे, और क्योंकि कॉनवे तेज भी खेलता है, ये देखने वाली बात है, वो धीमे नहीं खेलता बंदा, वो आता है सिर्फ दूरी चलाता है, लप पे चलाता है, स्वीप भी मारता है, रिवर्स स्वीप भी मारता है,
अश्विन को इतना धोया है ना उसने, एक बॉल स्वीप, एक बॉल रिवर्स स्वीप, स्वीप रिवर्स स्वीप, और उसके बाद जब मुड़ गया तो सामने छक्का मार दिया, बढ़ के वो, बढ़ के वो कुलदीप को भी एक छक्का, रचिन रविंद्र ने भी ऐसे किया भाई, रचिन रविंद्र ने जोर से मारे आज तो भाई, कोहली ने भी एक छक्का मारा यार, वो जो इनसाइड आउट वो जिसको शॉट मारा था क्या यार, इतनी प्यारी बैटिंग करा था कोहली यार। हालांकि एक बात तुम बताना भूल गया कि 9000 रन भी पूरे, ओ यार कांग्रेचुलेशन, टेस्ट में, और सबसे बड़ा नसूरा अगर कोई है ना तो कमेंटेटर, क्योंकि मुझे याद है मैं मैच देख रहा था, रोहित शर्मा खेल रहा था है ना, आकाश चोपड़ा था, आकाश चोपड़ा था, रोहित शर्मा खेल, क्या डिफेंस है उनका, और अगली गेंद पे डिफेंस करते हुए बंदा आउट, अगली गेंद, और विराट कोहली के भी ऐसे ही पीछे पड़े हुए थे जब वो भाई 40 रन दूर था 9000 के रन बनाने के, 9000 रन के 40 रन दूर है, 30 रन दूर है, एक एक रन गिना है भाई, इतना नसूट लगाया है ना वो, तो भाई बंदा आउट नहीं हुआ यार, अच्छी बात, जाते जाते वो भी चले गए यार, बहुत सही खेल रहा था। चलो ठीक है, सरफराज से उम्मीद है, राहुल से उम्मीद है, कैबिल है, मेरे को तो लग रहा है अभी अश्विन तक तो मैं बैट्समैन नहीं मानता हूँ, तो अभी हमारे पास केएल राहुल है, ऋषभ पंत है, जडेजा है, थोड़ा सा डर लग रहा है कि ये लोग स्पिन नहीं खेल पाते हैं, जडेजा भी नहीं खेल पाता है और अश्विन भी नहीं, क्या कहा तुमने, चिन्ना स्वामी में किसने सवा मारा था स्पिनिंग ट्रैक पे, क्या गाइस को गाली दो यार, क्या कह रही है अश्विन को, कह रहे स्पिन नहीं खेल पाते अश्विन यार, क्या कह रहा हूँ फास्ट अच्छा खेल लेते हैं ना, एज कम्पेयर टू स्पिन, तो यहाँ पे गाइस हमारी लड़ाई हो जाएगी इस वीडियो के बाद, तो इस वीडियो को शायद इधर ही, मैं तो अच्छा ही चाहता हूँ यार कि भाई दोनों लोग आके 100-100 मारे जाए यार, ये हम क्या बात कर रहे हैं, एक मेन बैट्समैन तो बात ही नहीं की, अनबीटन पिछली इनिंग में ऋषभ पंत है, ऋषभ पंत से मुझे बहुत उम्मीद है, बस यार देख लेना भाई, देख लेना आगे देंगे, चलो ठीक है, अपना आप लिख दो कमेंट सेक्शन में, लिख दो क्या है आपके ख्याल आज मैच को लेकर, और तब तक।